आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबॉडीज के बारे में। मेनली हम इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी पोर्शन के साथ डील करेंगे कि ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, क्योंकि जैसे कि अभी आपको पता है कि इम्यूनोलॉजी की सीरीज चल रही है, इसमें हम बी सेल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। एंड वी नो कि बी सेल जो है समहाउ फेमस है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये भी जानना ज़रूरी है कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। अगले वीडियो में मैं एंटीबॉडीज़ के टाइप एज वेल एज उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगी। एंड आफ्टर दैट we will talk about the antibody digestion following with so many different type of arrangements like heavy chain and light chain. okay, तो आज का जो लेक्चर है दैट दिस इज अ लेक्चर नंबर 27, सो लेट्स प्रोसीड। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले कि एंटीबॉडी क्या होती है और किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी बी सेल के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। हमको पता है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स में डिवाइड हो गए हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं मेनली फेमस है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ये एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं, ये एक टाइप की प्रोटीन होती हैं, ठीक है, जो कि फेमस है ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने में। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिस्पॉन्स, एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम इस ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का भी नाम देते हैं, और जिसका मेनली एक्शन देखा जाता है कि वो पैथोजन को या किसी भी एबनॉर्मल सेल्स को बॉडी से एलिमिनेट कर सकती हैं। ओके, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इन्हें हम इफेक्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। व्हाई इफेक्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग अ इफेक्ट विच कैन कॉज एनी हार्मफुल एलिमेंट टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो इफेक्टर मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से नाम क्यों देते हैं, क्योंकि नाम जो है अपने आप में अपना काम बता रहा है कि इफेक्टर मॉलिक्यूल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ को हम यहाँ पर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स का नाम भी देते हैं। सो द इफेक्टर मॉलिक्यूल्स ऑफ ह्यूमरल ब्रांचेस आर एंटीबॉडीज़, द सिक्रीटेड वर्जन ऑफ हाईली स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी सेल के सर्फेस के ऊपर भी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं और सॉल्युबल फॉर्म में भी पाई जाती हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को हम सॉल्युबल फॉर्म में ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाँ ये जो है हमें सॉल्युबलाइज फॉर्म में देखने को मिलेगी। जब हम स्पेसिफिक तौर से बात करते हैं कि हाँ बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं वो बी सी आर का मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म है। और अगर वही एंटीबॉडीज़ सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट रहती है तो हम कहते हैं वो बी सी आर का सॉल्युबल फॉर्म है, दैट इज़ बी सेल रिसेप्टर का सॉल्युबल फॉर्म है। ओके, तो इन दैट वे ओनली यहाँ भी बोला गया है कि ये एक सिक्रीटेड वर्जन है स्पेसिफिक रिसेप्टर का जो कि बी सेल में पाया जाता है। एंटीबॉडीज जो है काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोल प्ले करती हैं, बहुत से अलग और या फिर डिफरेंट इन्फेक्शन को रिजॉल्व करने में यानी बॉडी से एलिमिनेट करने में। जैसे कि अगर पहला फंक्शन देखा जाए कि ये काम कैसे करती है, तो ये पैथोजन की एंट्री को ब्लॉक कर देती है सेल के अंदर आने से, ठीक है। सो इट ब्लॉक द पैथोजन एंट्री इनटू द सेल, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सेकेंड अगर पाथवे की बात करें या सेकेंड एक्शन की बात करते हैं, तो ये रिक्रूट कर लेती है साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को एंड साइटोटॉक्सिक सेल को, ताकि वो पैथोजन को किल कर दे। और ऐसा करने के लिए अलग अलग पाथवे या मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से एक है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ऑप्शनाइजेशन एंड ADCC। इन सब के बारे में मैं आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगी कि ये क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। अब अगर हम सभी चीज़ों को एक बार देखना चाहें, तो यहाँ पे पिक्चर जो है ये एंटीबॉडीज़ का दिखा के रखा है। ओके, अगर हम कहते हैं कि ये काम कैसे करिए, तो ये एक रफ ओवरव्यू दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये वायरस या टॉक्सिन के साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, एंड दिस विल अल्टीमेटली प्रिवेंट द पैथोजन होस्ट बाइंडिंग, जिसकी वजह से जो है पैथोजन और होस्ट की बाइंडिंग जो है हॉल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो ये रहा इम्यून सेल, दैट इज मैक्रोफाज। मैक्रोफाज के सरफेस के ऊपर FCR यानी एक ऐसा रिसेप्टर हो सकता है एंटीबॉडीज के FC पोर्शन से बाइंड करेगा। ये जो यहाँ पे आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी, जिसे हम FC कहते हैं, एंड दिस इज अ वेरिएबल रीजन, जिसे हम FAB के फॉर्म में प्रेजेंट करके रखे हैं। तो ये जो यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जिसे हम एंटीबॉडीज कह रहे हैं, इनका ये वाला सेगमेंट जो है FC कहलाता है, और FC से बाइंड करने वाली कोई भी प्रोटीन होगी वो कहलाएगी FC रिसेप्टर, दैट FCR।
तो होता यह है कि मैक्रोफाज के सरफेस के ऊपर एफसीआर प्रेजेंट है, जो कि एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा है, और ये एंटीबॉडी ने ऑलरेडी यहाँ पे किसी एंटीजन से इनकाउंटर कर रखा है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, जब इस तरीके से होता है मतलब कि किसी पैथोजन को ऑलरेडी एंटीबॉडीज ने इनकाउंटर करके रखा है और उसके बाद फिर मैक्रोफाज जाकर उसके साथ बाइंड कर रहा है, तो ये ऑप्शनाइजेशन को शो कर रहा है एंड दिस विल क्रिएट अ फैगोसाइटोसिस, यानी फैगोसाइटोसिस के लिए ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। जैसे कि मान लेते हैं ये ट्यूमर सेल है, यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आई, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स किस तरीके से बाइंड हुई, यहाँ पे क्लासिकल पाथवे आपको दिखा रहा है। अगर आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट पाथवे, तो हमने उसमें देखा था कि एंटीबॉडी मीडिएटेड क्लासिकल पाथवे चलता है। तो यहाँ पे इस सेल से पहले आके एंटीबॉडी ने बाइंड किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से फिर C1 कॉम्प्लेक्स ने बाइंड किया, उसकी वजह से मैक का फॉर्मेशन हुआ एंड फाइनली इट विल लीड टू द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैक कॉम्प्लेक्स दैट विल लीड टू द फैगोसाइटोसिस एंड द लाइसिस ऑफ सेल। तो जो हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे बोल के रखा है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन नाम से। नेक्स्ट आता है ADCC। ADCC क्या होता है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज ADCC, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे छोटा करके एक बार मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड सेल है या ट्यूमर सेल है, इसको चारों तरफ से जो है एंटीबॉडीज ने आकर इनकाउंटर कर लिया है। अब क्या हुआ है कि एंटीबॉडी का ये वाला जो सेगमेंट है, जिसे हम FC सेगमेंट कहते हैं, ये चारों तरफ से एक्सपोज होकर रखा है। तो होता यह है कि NK सेल जो है, NK सेल के पास यहाँ पर रिसेप्टर होता है जो कि इसके FC पोर्शन से बाइंड कर सकता है। तो इससे बाइंड करने के बाद क्या होता है, इस इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल का यहाँ से मेनली एपोप्टोसिस हो जाता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल को चारों तरफ से आके एंटीबॉडी ने घेर लिया था, यानी ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है। हेंस इसे हम ADCC कहते हैं, दैट विल लीड टू दी NK इंड्यूस एपोप्टोसिस, यानी NK सेल के थ्रू जो है टारगेट सेल का या ट्यूमर सेल का यहाँ पर एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये एक रफ ओवरव्यू है, आगे किसी टॉपिक में जो है इसको इलैबोरेट भी किया जाएगा कि ये पाथवे कैसे चलते हैं, क्योंकि देखा आपने कि हमने यहाँ पे दो फंक्शन पढ़ा है, लेकिन खाली दो फंक्शन नहीं है, एंटीबॉडीज के बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन हैं, जो कि हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि ये काम कैसे कर रहे हैं। अब जरा हम यहाँ देख लेते हैं कि जितने भी टर्म्स हमने ओवरऑल पढ़े, ये काम कैसे करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला टर्म देखा था न्यूट्रलाइजेशन, ये काम कैसे करता है। सी, एंटीबॉडी बाइंड टू द साइट ऑन द पैथोजन और द टॉक्सिन दैट इंटरैक्ट विद द होस्ट प्रोटीन। एंटीबॉडी जो है यहाँ पर एक ऐसे साइट से बाइंड कर जाता है जो कि पैथोजन या टॉक्सिन के ऊपर प्रेजेंट है, और कमाल की बात यह होती है कि उसी साइट की जरूरत किसको है, होस्ट प्रोटीन को है। मतलब मान लीजिए अगर कोई ये रहा पैथोजन, ओके, ये रहा पैथोजन और ये रहा उसका एक ऐसा पर्टिकुलर साइट जिसपे कि हमारी बॉडी के प्रोटीन बाइंड करेंगे, ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज जाकर यहीं पे बाइंड कर जाती है, और हेंस उसने क्या किया, उसने इस साइट पे बाइंड करके इस साइट को मास्क कर लिया। मास्किंग की वजह से क्या होता है, इसकी एंट्री जो होती है, दैट इज पैथोजन या टॉक्सिन की एंट्री होस्ट सेल के अंदर रुक जाती है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, जब तक उस पैथोजन के एक पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक उसको एंट्री नहीं देंगे। और क्योंकि यहाँ पर उस साइट को मास्क कर लिया गया है एंटीबॉडीज के थ्रू, तो हेंस अब वो बॉडी के अंदर जो है होस्ट सेल के अंदर मेनली एंटर नहीं कर पाएगा, एंड दिस विल लीड टू द एंटीबॉडी पैथोजन कॉम्प्लेक्स आर देन एलिमिनेटेड एंड ऑफन आफ्टर फैगोसाइटोसिस। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, मतलब ये पैथोजन का जो एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बना है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रलाइज कर देना। कोई चीज़ ऐसी है जो कि बॉडी में आगे चल के जो है एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करने वाली है, लेकिन उसके साथ बाइंड करके उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया जा रहा है। ओके, तो ये जो पैथोजन है, समहाउ ये ऑब्वियसली मतलब कि होस्ट बॉडी में आ चुका है, लेकिन डिफरेंट सेल्स में जो है इसकी एंट्री को मेनली रोक दिया जाता है। सेकेंड आता है ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन क्या होता है, कोई चीज़ अगर मान लीजिए है मतलब प्रेजेंट है, जिसका कि ऑब्वियसली फैगोसाइटोसिस होना है, उसका एलिमिनेशन होना है, तो उसको फैगोसाइटोसिस के लिए और ज़्यादा ससेप्टेबल बना दिया जाता है। तो ऑप्शनाइजेशन में हम कहते हैं कि किसी चीज़ को और ज़्यादा टेस्टी बना दिया गया है, यानी पैथोजन है तो पैथोजन को और ज़्यादा टेस्टी बना दिया गया है, ताकि उसका
एलिमिनेशन हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स के थ्रू और ज़्यादा इजीली हो पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करके रखी है, दैट इज एंटीबॉडी बाइंड्स टू द पैथोजन एंड इट देन बाइंड टू द एफसी रिसेप्टर ऑन द फैगोसाइटिक सेल। द एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग टू द एफसीआर इंड्यूसेस द इंटरनलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन जो है इसका फैगोसाइटिक सेल के थ्रू हो जाता है, स्पेशली पैथोजन का। नेक्स्ट बात आता है थर्ड, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। अब कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के बारे में आई थिंक आप लोग को ऑलमोस्ट बातें पता है, हम लोग ऑलरेडी क्लासिकल पाथवे के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बिकम बाउंड टू द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, दैट इज मेनली द C1 कॉम्प्लेक्स इन द सीरम एंड इज आइदर फैगोसाइटोस्ड विया एक्सप्रेसिंग द C3 रिसेप्टर और लाइस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पोर फॉर्मेशन मेनली द फॉर्मेशन बाय द कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट लाइक C7, C8, C9। यहाँ पे सारी बातें वही लिखी हैं जो क्लासिकल पाथवे में हमने देखी थी, क्योंकि वो एक्शन भी एंटीबॉडी के थ्रू ही मीडिएट किया जा रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ADCC। ADCC ADCC यहाँ कैसे काम करता है? एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स आर बाउंड बाई दी एफ सी रिसेप्टर ऑन द NK सेल। जैसा कि अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि मान लीजिए कोई टारगेट सेल है, उसको एंटीबॉडी ने बाइंड किया है, एंटीबॉडी का FC सेगमेंट जो है एक्सपोज रहता है और उस FC सेगमेंट के लिए NK सेल के पास FC रिसेप्टर होता है एंड द ग्रैनुलोसाइट, दस डायरेक्टिंग द साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ दी सेल्स टूवर्ड द एंटीजन टारगेटेड बाई द एंटीबॉडी। दैट इज एग्जाम्पल द वायरल प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल एंड इंड्यूसिंग द एपोप्टोसिस ऑफ टारगेट सेल। और इस तरीके से करके ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये ट्यूमर सेल या फिर इन्फेक्टेड सेल, इसका पूरा ही एलिमिनेशन कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बाइंड किए हैं इसके FC पोर्शन के लिए NK सेल के सरफेस के ऊपर FC रिसेप्टर है। यानी अगर मैं कुछ पिक्चर इस तरीके से बनाना चाहूँ, मान लीजिए ये रहा NK सेल और ये रहा इसके पास FCR, मान लेते हैं ये है टारगेट सेल या इन्फेक्टेड सेल और इस पे आकर जो है एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया है, ये रही एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का ये है FC पोर्शन, तो ये FCR इसके पास है, FC इसके पास है, तो ऑब्वियसली इनकी बाइंडिंग होगी और इनकी बाइंडिंग की वजह से जो टारगेट सेल है उसका हो जाएगा एपोप्टोसिस। तो यही बातें यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी, वहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था और यहाँ पे जो है समहाउ एक्सप्लेनेशन था। अब जरा सा हम बात करते हैं एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में, वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, एवरीथिंग। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू ही आपको समझ में आ रहा होगा, एंटीबॉडीज को मेक श्योर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ओके, ये वाई शेप की होती हैं जो कि आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है, विच कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, जो कि टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है। अगर हम देखना चाहें तो पहला पॉलीपेप्टाइड ये है जो आपको पूरा रेड कलर में देखने को मिल रहा है, सेकेंड इज दिस वन, ये रहा थर्ड पॉलीपेप्टाइड एंड दिस वन इज फोर्थ। ओके, टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन। अब इसी में जो है हम दो हैवी चेन भी देखते हैं, दो लाइट चेन भी देखते हैं, यानी स्पेशली अगर मैं यहां पे कहूं तो 1 और 2 जो है ये आपको हैवी चेन बता रहे हैं। यहां पे दो टाइप की चेन पाई जाती है, हैवी चेन, और 3 और 4 जो है दिस इज अ लाइट चेन। ओके, तो याद रखना है टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड होंगे यहाँ पे, दो हैवी चेन देखा जाएगा एज वेल एज दो लाइट चेन देखा जाएगा, जो मैंने अभी आपको बता रखा है। ओके, फंक्शन इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। ये जो पूरा का पूरा आपको पिक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज अ एंटीबॉडी। फंक्शन जो है ये पूरी एंटीबॉडी जो है कैरी करती है। अगर देखा जाए एंटीबॉडी में कितने फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो इसमें पहला फ्रेगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, जिसे हमने फैब फ्रेगमेंट कहा है। ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट है दिस इज अ फैब फ्रेगमेंट या फैब रीजन आप कह सकते हो, इट इज अ फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, जिससे कि एंटीजन आकर बाइंड करेगा, मतलब इस वाले सेगमेंट पे जो है मेनली एंटीजन आकर बाइंड करता है। इसके बाद इसके पास एक और सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं FC रीजन, जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन, ये रहा FC रीजन जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, तो ये सारा FC रीजन है,
एज वेल एज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फैब रीजन। तो इन सारे सेगमेंट्स को आपको ध्यान से समझना है, बिकॉज आगे चल के जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो इन सारे सेगमेंट का अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ये एफ ए बी फ्रेगमेंट या एफ ए बी सेगमेंट क्या करते हैं। सो इट इज़ अ रीजन ऑन द एंटीबॉडी दैट बाइंड टू द एंटीजन, दैट इज फैब फ्रेगमेंट जो है एफ ए बी फ्रेगमेंट या एफ ए बी रीजन, यहाँ पे मेनली एंटीजन बाइंड करते हैं। इट कंपोज ऑफ वन कॉन्स्टेंट एंड वन वेरिएबल डोमेन, यहां पर एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल आपको डोमेन देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ कॉन्स्टेंट एरिया, राइट, यहां पे कॉन्स्टेंट है और यहां पे वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे अगेन कांस्टेंट है सी जो दिखा रहा है और यहाँ पे वेरिएबल है। तो जहां जो भी आपको वी दिखाया जा रहा है, वी वी जहां पे भी लिखा है, दिस इज अ वेरिएबल डोमेन एंड सी इज स्टैंडिंग फॉर कांस्टेंट डोमेन। एच यहाँ पर हैवी चेन दिखा रहा है, एल यहाँ पर लाइट चेन दिखा रहा है। तो अगर आप एफ ए बी रीजन को देखना चाहें तो ये वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट का पूरा कंपोजिशन हो रखा है। दीज डोमेन शेप द पैराटॉप, दैट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट एट द अमाइनो टर्मिनल एंड ऑफ द मोनोमर। अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड कुछ ऐसे है, यहाँ पे एन टर्मिनल होगा दोनों का इस तरीके से, और यहाँ पर सी टर्मिनल होगा। फाइन, इस तरीके से ये अरेंज होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी पे जो एंटीजन से बाइंड करने वाली साइट होती है उसे हम पैराटोप कहते हैं, और जो एंटीजन के पास साइट होती है जिससे कि वो एंटीबॉडी पे बाइंड करता है उसे हम एपिटोप कहते हैं। तो सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे भी जो है एंटीबॉडी के पास पैराटोप होता है। ओके, नेक्स्ट आता है एफ सी रीजन। एफ सी रीजन क्या होता है? इट इज अ टेल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी दैट इंटरैक्ट विद द सेल सरफेस कॉल द एफ सी रिसेप्टर। तो जो टेल सेगमेंट है यहाँ पर आपको एंटीबॉडी का दिख रहा है, इसे हम एफ सी रीजन कहते हैं। और ये एफ सी रीजन के लिए बहुत से सेल के सरफेस के ऊपर जो है रिसेप्टर पाए जा सकते हैं, जिसे हम मेनली एफ सी आर कहते हैं। एफ सी रीजन जो है ये आपको टेल पोर्शन में देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो एफ सी रीजन है ये किसी भी सेल से इंटरैक्ट कर सकता है जिसके पास एफ सी आर हो, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ओके, दिस प्रॉपर्टी अलाउ द एंटीबॉडी टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। और अगर एफ सी पोर्शन एंटीबॉडी का एफ सी आर के साथ बाइंड करता है, यानी अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, भले ही वो रिसेप्टर किसी भी सेल के पास हो, तो मेनली इम्यून सिस्टम को पूरे तरीके से एक्टिवेट कर देता है। तो इस ढंग से हमने देखा कि ओवरऑल एंटीबॉडी किस तरीके से देखी जाती है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट ये होती है, ठीक है। वेरिएबल रीजन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसके बाद से कांस्टेंट रीजन शुरू हो जाता है, यानी ये कांस्टेंट रीजन यानी ये कांस्टेंट रहेगा, ये ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। वेरिएबल अपने आप में बता रहा है इट विल वैरी। यहाँ पे भी एक पिक्चर है जो कि आपको प्रॉपर ढंग से सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा एन टर्मिनल, ठीक है, जिसे हम अमाइनो टर्मिनल भी बोलते हैं। अगर ये फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, तो सभी का एन टू सी टर्मिनल आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, ये जो एरिया है दिस इज अ वेरिएबल एरिया दोनों तरफ का। उसके बाद ये वाला जो एरिया है दिस इज अ कांस्टेंट एरिया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी वेरिएबल है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो लॉन्ग वाली चेन है ये हैवी चेन है, शॉर्ट वाली जो है ये है लाइट चेन। तो अगर हम इन जनरल देखते हैं तो शॉर्ट चेन में भी क्या है, शॉर्ट चेन को हम लाइट चेन कह रहे हैं। तो लाइट चेन में वेरिएबल रीजन भी है, कांस्टेंट रीजन भी है, यानी लाइट चेन के पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों हैं, और हैवी चेन के पास भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों हैं। जो ये दो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दोनों जो पॉलीपेप्टाइड है हैवी चेन का, वो जिस यहाँ पर इंट्रैक्शन से या जिस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उसे हम मेनली डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे अच्छे से बता के रखा है, दिस इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो है यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, इस वाले एरिया को हम मेनली हिंज एरिया का नाम देते हैं। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे टर्म्स हो गए। उसके अलावा देखिए यहाँ पे भी जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेनली लाइट चेन एंड हैवी चेन के बीच में भी फॉर्म होते हुए देखे जाते हैं। तो हमने इस तरीके से एक एक चीज जो थी एंटीबॉडीज की वो देख ली, इसलिए हम इसे जनरल बेसिस पे देखा जाए तो इस ढंग से हम इसे वाई शेप में इस तरीके से बना देते हैं। जो छोटी वाली चेन होगी वो लाइट कहलाएगी, जो बड़ी वाली चेन होगी वो हैवी चेन कहलाएगी। एक और पिक्चर यहाँ पे भी बता के रखा है, ये भी अच्छे से आपको सारी चीजें जो है समझा के रखी है। यहाँ सी एच वन का मतलब भी होगा, सी इज स्टैंडिंग फॉर कॉन्स्टेंट, एच इज फॉर हैवी चेन, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो है डोमेन आपको बना के दिखा के रखे हैं, ये सब चीजें हो गई।
अब बात करते हैं कि अगर हम एंटीबॉडीज के टाइप के बारे में बात करें, क्योंकि एंटीबॉडीज का टाइप भी होता है, तो लगभग पांच टाइप के जो है यहाँ पर एंटीबॉडीज देखे गए हैं, जिसे हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। तो एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहा जाता है, और इसके टोटल फाइव क्लासेस हैं जो कि मेनली सीरम में देखे जाते हैं। ये फाइव क्लासेस का नाम क्या है? IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है टाइप ऑफ हैवी चेन जो इनके पास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनको याद रखने का तरीका क्या है? GAMED, गेम्ड कह सकते हो आप या फिर गैमेड बोल सकते हो। इसको याद रखने का तरीका यही है, क्योंकि गैमेड यानी यही पांच एंटीबॉडीज देखे जाते हैं, यानी IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। अब इनको नाम कैसे दिया गया है? देखिए, हैवी चेन जो है यहाँ पर, अगर ये हैवी चेन गामा है, ठीक है, इफ हैवी चेन इज गामा, तो G4 गामा, G4 IgG, इस तरीके से नाम दिया गया है। अगर ये हैवी चेन म्यू है, ठीक है, तो M4 म्यू, तो यहाँ पे ये IgM हो जाएगा। तो हैवी चेन अगर म्यू है तो ये होगा IgM, मतलब ये एंटीबॉडीज को हम IgM कहेंगे। अगर हैवी चेन अल्फा है तो ये हो जाएगा IgA। अगर हैवी चेन एप्साइलन है तो ये हो जाएगा IgE। और अगर हैवी चेन डेल्टा है तो ये हो जाएगा IgD। तो इस ढंग से हैवी चेन जो है ये डिसाइड करती है कि वो एंटीबॉडी का कौन सा क्लास होगा। इट मे बी IgG, MAED, कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैवी चेन अल्फा बनता है तो सीधी सी बात है वो IgA हो जाएगा। A4 अल्फा, G4 गामा, M4 म्यू, A4 अल्फा, E4 एप्साइलन एंड D4 डेल्टा। तो जैसे चेन का नाम है बिल्कुल वैसा ही जो है यहाँ पे इनका एब्रीवेशन भी दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एंटीबॉडीज में अगर देखा जाए तो बहुत से चीजें आपको देखने को मिल रही है। अगर वन बाई वन हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि सभी चीजें आपको अच्छे से मतलब याद रहेंगी तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहली जो चीज देखी हमने क्या देखी कि इसके पास कितने पेप्टाइड हैं। टोटल हमने देखा था 4 पेप्टाइड हैं, राइट। इसके बाद हमने देखा था कि यहां पर 2 शॉर्ट लाइट चेन हैं और 2 लॉन्ग हैवी चेन हैं, नो डाउट, राइट। इसके बाद हमने देखा कि इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। थर्ड हमने देखा कि इनके पास कांस्टेंट, सॉरी फोर्थ जो है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन दोनों है, राइट। अब कांस्टेंट में भी क्या देखा जाता है कि हैवी चेन के पास भी कांस्टेंट रीजन है एंड वेरिएबल रीजन है, एंड लाइट चेन के पास भी कांस्टेंट रीजन है एंड वेरिएबल रीजन है। तो हम इसे लिख सकते हैं CH, राइट। और अगर हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है तो हम इसे VH लिख सकते हैं। सिमिलर केस हियर आल्सो कि अगर कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का तो हम इसे CL लिख सकते हैं, और अगर ये वेरिएबल है तो VL लिख सकते हैं। यही चीज आई थिंक यहाँ पे भी मेंशन थी, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। वी एल सी एल इस तरीके से जो है हम नाम देते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है फैब फ्रेगमेंट होता है। फैब फ्रेगमेंट या फैब रीजन में कौन बाइंड करता है? आकर एंटीजन वाला बाइंडिंग एरिया होता है, ठीक है। और इसी यहीं पर इसी लोकेशन में जो है पैराटोप भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पास एफसी पोर्शन भी होता है, और एफसी पोर्शन जो है FCR से बाइंड करता है, जो कि डिफरेंट इम्यून सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रह सकता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। आई थिंक कुछ और तो पोर्शन यहाँ पे बाकी रह नहीं गया है। और के अलावा हमने ये भी देखा था कि एंटीबॉडी जो है दो टाइप के फॉर्म में पाई जाती है, सॉलेबल भी होती है एंड मेम्ब्रेन बाउंड भी होती है, M-bound। जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है वही, उसी को हम BCR कहते हैं, और जो नॉर्मली सॉलेबल फॉर्म होती है वो प्लाज्मा के थ्रू सिक्रीट की जाती है, प्लाज्मा सिक्रीशन के थ्रू देखी जाती है। तो ये सब हमने एक इंट्रोडक्शन डील कर लिया। जरूरी था ये सब चीजों को ध्यान देना, अदरवाइज आपको चीजें जो है समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अगर हम आगे चल के चीजों को ओवरऑल देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ
ये क्या नया कुछ बोल दिया, समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये सब चीजें जो है आपके दिमाग में क्लियर रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सभी टाइप के एंटीबॉडीज के बारे में कि क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है GAMED की, यानी पांचों टाइप के एंटीबॉडी क्लास की क्या यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।